तो 22 अगस्त के करंट अफेयर में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम जितने भी 22 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रांसिस्को पास्कोल ओबामा असू पुनः किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो देखिए फ्रेंड, ये इक्वेटोरियल गुइना के अभी फ्रांसिस्को पास्कोल ओबामा पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इसके पहले भी यही थे। ये आपका इक्वेटोरियल गुइना है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये इक्वेटोरियल गुइना है। प्रेसिडेंट की बात करें तो टी ओबियांग नुगिमा मबासोगो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पीएम की बात करें एफ पास्कोल ओबामा असुई यही हैं। करेंसी की बात करें तो सीपीएफए फ्रैंक है और कैपिटल की बात करें तो मलाबो है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। देश का पहला कौन सा राज्य है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए परीक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी देगा? तो अभी एमपी ने घोषणा की है कि ये एनआरए बेस पर नौकरी देगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो फ्रेंड्स आप कई दिन से सुन रहे होंगे सीईटी और एनआरए, तो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो रिक्रूट कराएगा, जो जो इसको कंडक्ट कराएगा, वो कौन कराएगा? एनआरए कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे आपने सुना होगा बैंक के जितने भी एग्जाम्स है उन्हें कौन कंडक्ट कराता है? आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से ये जो नेशनल एनआरए है, ये अभी एमपी में इसके द्वारा जितनी भी जो ये एक पहली परीक्षा है, मतलब इस परीक्षा के तहत जैसे आपके बैंक एग्जाम होते हैं, इसमें क्या होता है, प्री होता है और मेंस होता है। तो अभी जितने भी सेंट्रल के एग्जाम्स होंगे इनका प्री इन्होंने एक कर दिया है, और इस प्री को कौन कंडक्ट कराएगा? सीईटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका टेस्ट होगा और इसे कंडक्ट कौन कराएगा? एनआरए कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी एमपी में ये शुरू किया गया, सबसे पहला स्टेट बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम है, आनंदी बेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। लोकसभा की बात करें तो 29 सीटें और राज्यसभा की बात करें तो 11 सीटें। बॉर्डर एरियाज की बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र। डांस की बात करें तो मंच, मटकी, गिरदा, अड्डा और खड्डा, कल भी हमने ये डिस्कस किया था। पिंबल्स की बात करें तो बारह सिंगा यहाँ का फेमस है, इंडियन पैराडाइज यहाँ का फेमस है, बनियान ट्री यहाँ का फेमस है, ये सब स्टेट सिंबल्स हैं, और मडियोना लिली यहाँ का फूल फेमस है। रिवर की बात करें तो नर्मदा, तापी और सोन, काली सिंध भी यहाँ पे बहती है, पर हमें मेन डिस्कस करना है नर्मदा, तापी और सोन। बायोस्फीयर की रिजर्व की बात करें तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और बोरी नेशनल रिजर्व है। नेशनल पार्क की बात करें तो माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा वन विहार और संजय। तो इतने सारी चीजें हमने मध्य प्रदेश से सीखी। हाल ही में कौन से राज्य ने COVID-19 संक्रमित बीमारियों की रोकथाम में सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी हेल्थ केयर पॉड्स लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटका ने, क्या फ्रेंड्स, अभी कर्नाटका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, यानी कि AI आधारित कोविड 19 के लिए, ना ही केवल कोविड 19 के लिए बल्कि जितनी भी बीमारियां जो हवा से फैलती हैं, यानी कि एयर से जितनी भी बीमारियां फैलती हैं, उसके लिए इन्होंने अभी क्या बनाया है, हेल्थ केयर पॉड्स लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, 9 बिस्तर मैक्सिमम रहेंगे। कितने बिस्तर? 9 बिस्तर मैक्सिमम रहेंगे। जैसे आपकी जो बीमारियां हैं, जैसे टीबी फ्लू हो गया, उसके बाद में जितने भी वायु रोग हैं उनको, इसमें होगा क्या, इसमें नेगेटिव प्रेशर के जरिए, क्या फ्रेंड्स, नेगेटिव प्रेशर के जरिए जो अंदर का प्रेशर रहेगा उसे मेंटेन किया जाएगा, मतलब अंदर की जो हवा है वो बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम कितने बेड? 9 बेड रखे जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये किसने स्टार्ट किया है? कर्नाटका ने स्टार्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटका की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956। सीएम की बात करें तो बीएस येदुरप्पा है। गवर्नर की बात करें वाजुभाई वाला है। लोकसभा की बात करें 28 सीटें, राज्यसभा की बात करें 12 सीटें। बॉर्डर एरियाज की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। डांस की बात करें तो यक्षगान यहाँ का फेमस है, और डोलू कुनिथा ये आपका यहाँ का फेमस डांस है। रिवर्स की बात करें तो कावेरी है, तुंगभद्रा है, शेरावती है और पेन्ना रिवर भी कर्नाटका में आपकी। बायोस्फीयर की बात करें तो मोस्ट फेमस जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क की बात करें तो बनरगत्ता, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, मधुमलाई, कुद्रेमुख, डांडेली और काली टाइगर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बातें हमने कर्नाटका के बारे में जानी, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? तो अभी
छत्तीसगढ़ ने, किसने फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ ने अभी सबसे टॉप पोजीशन हासिल की है, किसमें, सबसे स्वच्छ राज्य घोषित होने में, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी आप छत्तीसगढ़ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लीजिए। नया रायपुर का नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया था, अटल नगर रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था, अटल नगर, ओके फ्रेंड्स। और सी घाट ऐप भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था, क्या लॉन्च हुआ था, सी घाट ऐप लॉन्च हुआ था यहाँ पे। पढ़ई तुहार द्वार ऐप और पढ़ई तुहार पारा दोनों यहाँ की, पढ़ई तुहार पारा और पढ़ई तुहार द्वार ऐप है ये, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना यहाँ पे शुरू की गई। अभी ई लोक अदालतों का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। गौधन न्याय योजना भी आपकी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई थी। तो इतनी बातें हमने छत्तीसगढ़ से जानी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल क्या है, रायपुर है। फॉर्मेशन की बात करें, 1 नवंबर 2000, भूपेश बघेल यहाँ के क्या है, सीएम है। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। लोकसभा की बात करें तो 5 सीट है, राज्यसभा की बात करें तो 11 सीट है। बॉर्डर एरियाज टोटल 7 है आंध्र प्रदेश तेलंगाना बनने के बाद। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। डांस की बात करें तो कर्मा, पांथी, रौत नाचा, गेंडी, सैला, साऊ, पंडवानी, ये सब यहाँ के फेमस डांस हैं, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। रिवर की बात करें तो इंद्रावती, महानदी और सोन बहते हुए आपकी गंगा में मिल जाती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, सीता नाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरा मदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पमेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्रावती और कंगेर, ये आपके टोटल नेशनल पार्क हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्री ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट की आभासी शुरुआत की है, तो अभी अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मंत्री हैं, इन्होंने अभी ट्राई फूड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट है क्या फ्रेंड्स, तो ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तहत जो भी आदिवासी हैं या जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इनको जो ये लकड़ियां काट के लेकर आते हैं, लकड़ी काट के लेकर आते हैं, उसी से इनका जीवन पालन होता है, या उस जो पेड़ पे फल फ्रूट लगे होते हैं उन्हीं के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं। तो कुल मिला के जो ये लकड़ियां, जो इनका जो इनकी कमाई का जरिया है, उसका जो दाम होगा उसको सही दाम पे इनको दिया जाएगा। मतलब अगर ये लकड़ी बेचते हैं किसी को तो उसका सही दाम उचित मूल्य से ज्यादा ही इन्हें मिलेगा। तो ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया है, अर्जुन मुंडा जी ने स्टार्ट किया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं, तो आगे हाल ही में किस मंत्री द्वारा कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किया गया, तो किस मंत्रालय द्वारा कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया गया, तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय, किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया गया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन है आपके, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी क्या लॉन्च किया है, कोरोना फाइटर्स गेम। अब ये कोरोना फाइटर्स गेम है क्या, तो ये कोरोना फाइटर्स गेम आपको ये बताएगा, ये ऐसा गेम है जिसमें ये बताया जाएगा कि कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं, कोरोना के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कोरोना को आप सही कैसे कर सकते हैं, कोरोना से आप दूर कैसे रह सकते हैं। मतलब कोरोना से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब किसमें बताई जाएगी, कोरोना फाइटर्स गेम में। और अभी इसको किसने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जो कौन संभालता है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी संभालते हैं। और इन्होंने साथ ही साथ क्या किया है, वीडियो भी लॉन्च किए हैं, कितनी, 2 वीडियो लॉन्च किए हैं। उन 2 वीडियो में भी यही सारी बातें बताई गई हैं कि क्या करना चाहिए कोरोना के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में राजेंद्र एस पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किसके फाउंडर हैं, तो नीति NIIT, क्या NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके जो अभी फाउंडर हैं वो कौन है, राजेंद्र सिंह पवार, कौन, राजेंद्र सिंह पवार हैं। तो अभी इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, किसके लिए, जितनी भी IIT कंपनीज हैं इनमें जो इनका उत्कृष्ट योगदान था उसके लिए राजेंद्र सिंह पवार को क्या मिला है फ्रेंड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हैं आपके राजेंद्र सिंह पवार, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने बेटर हेल्थ हैकथॉन हैशटैग कोड फॉर COVID-19 लॉन्च किया है, तो अभी HCL ने हैशटैग कोड फॉर COVID-19 लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, HCL ने। अब हुआ क्या है, HCL ने माइक्रोसॉफ्ट और अंतरराष्ट्रीय SOS
कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए कोड फॉर कोविड 19 या हैशटैग कोड फॉर कोविड 19 लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, ये तत्काल समाधान देगा कोविड 19 से रिलेटेड, ये क्या देगा, तत्काल समाधान देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो अभी राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। अब ये इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत क्या होगा, तो अभी राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी की 76th जयंती पे ₹8 प्रति भोजन कराने का फैसला लिया है। और ये किसके तहत हो रहा है, ये इंदिरा रसोई योजना के तहत हो रहा है। आपको ये याद रखना है कि इंदिरा रसोई योजना कहां की है, तो हां भाई राजस्थान की है, और ₹8 प्रति भोजन इसमें कराया जा रहा है। टाइमिंग की बात करें अगर, तो ये 8 बजे सुबह से लेकर 1 बजे दोपहर तक चलेगा और 5 बजे शाम से लेकर 8 बजे रात्रि तक चलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, हाल ही में लेबर ब्यूरो का लोगो किसने लॉन्च किया है? तो लेबर ब्यूरो का लोगो अभी संतोष कुमार गंगवार जी ने लॉन्च किया है फ्रेंड। ठीक है, ये हैं आपके संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्हीं के हाथ में है। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों का दिन किस दिन मनाया गया? तो अभी 22 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों का दिन 22 अगस्त को मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व वरिष्ठ यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे और आतंकवाद के पीड़ितों का दिन, तो ये 22 अगस्त को मनाया गया। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।